स्वामी जी अपने संतानों को उत्तम संस्कारवान कैसे बनाए, शिक्षित कैसे करें? संस्कारवान भी और बुद्धिमान भी दोनों को बताता हूं, ठीक है, कि संतान को संस्कारवान कैसे बनाए और बुद्धिमान कैसे बनाए। तो देखिए, इसका सबसे आरंभ में तो उपाय गर्भावस्था में ही आरंभ हो जाता है। जब माता गर्भधारण करके रहती है या गर्भावस्था में होती है, उसी समय उसको नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए और अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, उसका स्वाध्याय करना चाहिए, ऐसे धार्मिक आध्यात्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, ठीक है जी। और कभी भी गुस्सा लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए गर्भावस्था में माता को, और खान पान एकदम सात्विक और पौष्टिक करना चाहिए, बुद्धिवर्धक खान पान भी करना चाहिए। और जब फिर संतान का जन्म होता है तो उसका विधिवत संस्कार करना चाहिए, जात कर्म संस्कार और फिर आगे पुंसवन संस्कार, सिमंतोन्यन संस्कार, ये क्रमशः जो संस्कार आते हैं 16 संस्कारों का विधान है, इन संस्कारों का अनुष्ठान करना चाहिए। और इसमें से 2 संस्कार तो गर्भावस्था में ही जाते हैं, जैसे कि पुंसवन और सिमंतोन्यन संस्कार, तो ऐसे बारी बारी से संस्कार करना चाहिए। उसमें वेदारंभ भी आता है, उपनयन संस्कार भी आता है, और फिर उसको गुरुकुल में विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजना चाहिए। तो जब तक घर में है तब तो माता पिता उनको अच्छी अच्छी बातें बताएं संतान को, या संतान को शिक्षा प्रद कहानी भी सुनाएं, हमारे जो महापुरुष हुए हैं उनकी भी कहानी सुनाएं, और ऐसे पौष्टिक पदार्थ खिलाएं जैसे ब्राह्मी है, शंख पुष्पी है, इसका आकरू भी आता है, जूस भी आता है या सिरप भी आता है या रस भी आता है, कुछ भी कर सकते हैं, पेय पदार्थ आता है ना, पतंजलि का भी आता है, ब्राह्मी का आता है और शंख पुष्पी आता है, ये लिक्विड होता है बोतल में, ये पिलाना चाहिए, इन पदार्थों से हवन करना चाहिए। दूध में सौंठ है और ये ब्राह्मी का पाउडर है, ये भी मिला के पी सकते हैं। तो नियमित रूप से दुग्धपान करना चाहिए, गाय का दूध, देसी गाय का दूध पीना चाहिए, माँ को भी और संतान को भी बड़ा होने पर। तो घी का सेवन करना चाहिए, घी है, दूध है, इतने पदार्थ हैं गौ माता के उत्पाद, इनका सेवन करना चाहिए, दही भी है, मक्खन भी है, मलाई भी है, छाछ भी है, ये संतान के लिए बहुत अच्छा है, बुद्धिवर्धक के सारे पदार्थ होते हैं। और नियमित रूप से उसको सुबह शाम गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, उस बालक को भी, माँ को भी और बालक को भी, और रोज प्राणायाम करना चाहिए। तो प्राणायाम करने से, गायत्री मंत्र का जप करने से, ईश्वर का ध्यान करने से बुद्धि बढ़ती है, बच्चा संस्कारवान होता है। रोज बच्चा माता पिता को प्रणाम करे, ये माता सिखाए, पिता बेटा पिताजी को प्रणाम कर गया, पिता कहे पहले माँ को प्रणाम कर गया, फिर दोनों को प्रणाम करे, फिर दादी माँ दादाजी इनको प्रणाम कर गया, ऐसे जो बच्चा बड़ों का सम्मान करता है, फिर जब जाता है विद्यालय में गुरुकुल में स्कूल में, तो वहां अपने सर को या गुरुजी को वहां भी नमस्ते करे और इनकी सेवा करे, बड़ों की सेवा करे। तो ये सारी शिक्षा पहले माता पिता प्रदान कर दें, और जब स्कूल में या गुरुकुल में पाठशाला में विद्यालय में पढ़ने जाए तो भी जो अध्यापक है उनको धार्मिक नैतिक शिक्षा जरूर प्रदान करें। जब तक घर में बालक है बच्चा है तो माता पिता उसको धार्मिक नैतिक शिक्षा प्रदान करें, और गुरुकुल में या स्कूल में या पाठशाला में जो उनके अध्यापक होते हैं वो भी उनको ये चरित्र निर्माण संबंधी पाठ पढ़ाए, जो उनका पाठ्यक्रम है वो तो पढ़ाए ही, साथ में ये भी पढ़ाए और कुछ आसन व्यायाम भी कराए, जिसे वो शरीर से स्वस्थ रहे, निरोग रहे। तो अगर स्वस्थ मन है तो स्वस्थ बुद्धि, ठीक है, प्रसन्न रहेगा, उसकी बुद्धि बढ़ेगी, प्राणायाम करेगा तो उसके दोष दूर जाते हैं तो भी उसकी बुद्धि बढ़ती है। तो स्वाध्याय भी करे वो बालक, फिर बाद में अच्छे संग में रहे, गलत बच्चों के संगति में वो नहीं रहे, कुसंग में नहीं फंसे,
किसी प्रकार के व्यसन से ग्रस्त नहीं हो। ये आजकल जो खाते हैं बाजार में पदार्थ, ये कुरकुरे है या वेफर है और कितने पदार्थ आते हैं आजकल, ये सब खान पान न करें। थम्सअप है, पेप्सी कोला है, क्या अगर पीते हैं ठंडा पदार्थ, ये नहीं पिए, ये सब बुद्धिनाशक पदार्थ है। ऐसे थोड़ा बड़ा होता है तो दूर जाता है दुर्व्यसन में, 15 वर्ष में 16 वर्ष में। आज के बच्चे सिगरेट पीते हैं और कोई जो शराब भी पीने लग जाते हैं, तो इन सब व्यसनों से दूर रहे। इसी प्रकार से मांसाहार से दूर रहे, मांस मछली अंडा बीड़ी सिगरेट शराब इन सभी अभक्ष पदार्थों से वो दूर रहे। तो वो जो बच्चा है बड़ा होकर कभी संस्कारवान बनेगा, बुद्धिमान बनेगा और आयुष्मान बनेगा। बस हवन भी करता रहे अर्थात यज्ञ भी करता रहे, थोड़ा योग भी करता रहे और वेद के अनुसार अपने जीवन को वो चलाए, वेद का कुछ स्वाध्याय भी करे, वैदिक संत महात्मा गुरुजनों का सत्संग भी करे और संगति अपनी अच्छी बना के रखे, गलत दोस्तियारी में नहीं फंसे, गलत जगह भी नहीं जाए, कोई गलत काम नहीं करे, तो चरित्र का निर्माण करने में सजग सावधान रहे, तो निश्चित रूप से वो बच्चा संस्कारवान बनेगा और बुद्धिवर्धक पदार्थों का सेवन भी करेगा तो बुद्धिमान भी बनेगा, फैक्ट्री बंद जब कर रहा है तो और बुद्धिमान बनेगा। तो इस प्रकार से बच्चे को संस्कारवान बुद्धिमान बनाया जा सकता है। ओम शांति।